हूँ योगिता शर्मा और आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़। राजस्थान हलचल में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। कलराज मिश्र को बनाया राजस्थान का राज्यपाल, 5 राज्यों में बदले राज्यपाल। भारत पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में घूमने पर लगाई रोक, 27 अक्टूबर तक लगा प्रतिबंध। मामा ने चाकू की नोक पर भांजी से किया दुष्कर्म, पुलिस जुटी है आरोपी की तलाश में। और अब रुक कर लेते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र को बनाया गया है। वो इस समय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, उनको वहां से हटाकर राजस्थान में लगाया गया है। आपको बताते जाएं कि राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का कार्यकाल 2 सितंबर यानी सोमवार को 5 साल पूरे होने वाले हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी को नियुक्त किया गया है। बडारू दत्तात्रेय को हिमाचल का राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान को केरल और तमिलिसाई साउडराजन को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन राज्यपालों में सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को केरल का गवर्नर नियुक्त किया है। आरिफ मोहम्मद खान को प्रगतिशील मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाना जाता है। 3 तलाक जैसे मसलों पर भी उन्होंने मुखरता से अपनी राय रखी थी और इसे मुस्लिम महिलाओं के लिए उच्च निर्णय बताया गया था। जिला प्रशासन ने जैसलमेर जिले के बॉर्डर इलाके में रात को घूमते फिरते पर 27 अक्टूबर तक रोक लगा दी। आपको बताते जाएं कि पश्चिम राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जैसलमेर जिले की सीमा लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बॉर्डर पर तस्करी और घुसपैठ को ध्यान में रखकर यह बॉर्डर की सीमा के पास 27 अक्टूबर तक शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रवेश और भ्रमण के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा। भारत पाक सीमा से लगते 5 किलोमीटर के क्षेत्र में भ्रमण पर प्रतिबंध होगा। राजस्थान के चूरू जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक सगे मामा ने चाकू की नोक पर अपनी ही भांजी से दुष्कर्म किया और दूसरी भांजी को भैला फुसला कर अगवा कर ले गया। पीड़िता ने आरोपी मामा कमल कुमार के खिलाफ दोनों बहनों को डरा धमका कर रेप करने का मामला महिला थाने में दर्ज करवा दिया है। महिला थाना पुलिस ने आरोपी कमल कुमार के खिलाफ IPC की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़िता का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल करवाया है। पुलिस के मुताबिक करीब 25 साल की विवाहिता ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया कि गत 7 अगस्त को उसके माता पिता बीकानेर गए हुए थे। उसी दौरान घर में अकेला पाकर रात को मामा कमल कुमार ने उसके कमरे में घुसा और बाद में चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी देकर रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि लोकलाज के डर से उसने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने ससुराल चली गई। हाल ही में जब वह वापस चूरू आई तो उसे पता चला कि मामा कमल कुमार उसकी छोटी बहन को भैला फुसला कर ले गया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी मामा ने उसे और उसकी छोटी बहन को डरा धमका कर देह शोषण किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी कमल कुमार का अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान के धौलपुर जिले के बसई टॉक थाना क्षेत्र में बजरी माफिया और पुलिस के बीच हुई गोलीबारी में 2 बजरी माफियाओं की मौत हो गई है और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटना बसई में शुक्रवार शाम को घटित हुई है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। IG पुलिस लक्ष्मण कोर्ट ने बताया कि जब बसई पुलिस स्टेशन के SHO हीरालाल मीणा को बजरी माफियाओं की गतिविधि के बारे में पता चला तो वो उन्हें पकड़ने के लिए चले गए। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में 2 बजरी माफियाओं की मौत हो चुकी है। बहरोड़ क्षेत्र के शक्ति विहार में निजी स्कूल में पतंजलि योग समिति बहरोड़ द्वारा एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी योगाचार्य विद्यारत्न शास्त्री ने योग की महत्ता को समझाते हुए योगिक क्रियाओं का सामूहिक अभ्यास करवाया और योग चार्ट स्कूल प्रशासन को भेंट किए। वहीं पतंजलि योग समिति की महिला प्रभारी अनुपमा शर्मा ने सभी को नियमित योग करने के फायदों के बारे में
बताया और इसके फायदों से अवगत भी करवाया। प्रसिद्ध युवा जादूगर भूदेव गुमान की ओर से बयाना में आयोजित जादू कला के शो का बीती रात्रि को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पुलिस उपाधीक्षक चेतराम सेवदा रहे हैं। जादू कला के शो का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा है कि टीवी और मोबाइल के इस युग में विलुप्त होती इस कला के विशेष संरक्षण और सामूहिक प्रयासों की विशेष आवश्यकता है। शो के उद्घाटन में युवा जादूगर भूदेव गुमार ने हैरत अंगेज जादुई प्रदर्शन करते हुए सभी को अचंभित कर दिया। नीमाज उपखंड क्षेत्र के पिरौल में गत शनिवार शाम को कुमावत समाज और बैरा खारचिया के संयुक्त तत्वाधान में एक शाम बाबा रामदेव जी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया है। इसमें जुगल किशोर एंड पार्टी जसनगर ने एक से बढ़कर एक भजनों की शानदार प्रस्तुतियां देकर माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान बिरौल निवासी तिरुपति प्रवासी लिखमा राम रेनवाल, जाला राम कुमावत, हिमता राम, श्रीलाल, रतनलाल आदि समाज बंधु उपस्थित रहे हैं। बसी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन क्षेत्र में हादसे हो रहे हैं, जिसमें आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। शकरगढ़ थाना क्षेत्र के फता का खेड़ा गांव में आज सुबह बजरी से भरे ट्रैक्टर ने गोवंश को कुचल डाला। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने फता का खेड़ा गांव के पास जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर शकरगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। गौरतलब है कि शकरगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों प्रशासन ने अवैध बजरी स्टॉकों पर कार्रवाई की थी, उसके बावजूद भी क्षेत्र में अवैध बजरी दोहन का गोरख धंधा दिन रात बेरोक टोक जारी है। वहीं अभी तक प्रशासनिक तौर पर कोई उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक मौके पर 8-10 बजरी भरे ट्रैक्टर भी खड़े हैं। अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है। इन दिनों अपने रिटायरमेंट को याद करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है तो कोई घोड़ी पर बैठकर। जी हाँ, झुंझुनू के बड़ा गांव प्रिंसिपल राम प्रताप सिंह खीचड़ को उनकी विदाई पर विद्यार्थी और स्टाफ ने दूल्हे के रूप में घोड़ी पर बैठाकर विदा किया है। इसके बाद यह जश्न जोश भरा तब हो गया जब DJ की धुन में विद्यार्थियों और स्टाफ के साथ परिवार के सदस्य भी जमकर थिरके हैं। उनकी बेटी राजस्थान म्यूनिसिपल सेवा के अधिकारी और चिड़ावा EO अनीता खीचड़ भी इस शानदार विदाई समारोह में खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने तपती धूप में भी जमकर डांस किया। इसके बाद गांव में जगह जगह पर राम प्रताप सिंह का भव्य स्वागत किया गया है। बहरोड़ के पास केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में बनी अस्टॉन कंपनी में कल रात करीब 4 बजे अचानक आग लग जाने से कंपनी परिसर में हड़कंप मच गया और मजदूर इधर उधर भागने लगे। आग की सूचना पर दमकलों को फोन कर मौके पर बुलाया गया। बहरोड़ नीमराणा सोता नाला से पहुंची आधा दर्जन दमकलों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग पर काबू नहीं किया जा रहा है। आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। बहरोड़ कस्बे में आज गणेश मंदिर में सुबह से ही सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर मंदिर पहुंची और गणेश जी की उपासना की। आपको बता दें कि कस्बे के सरकारी अस्पताल के पास बने गणेश जी के मंदिर में मेला और कबड्डी का कार्यक्रम रखा गया। विजेता टीम को 11,000 रुपए, द्वितीय टीम को 7,100 रुपए का इनाम दिया गया। इस दौरान कस्बे के गणमान्य लोगों सहित हजारों लोग मौजूद रहे हैं।
फिलहाल राजस्थान हलचल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।